लास्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था उसमें कुछ एग्जाम्पल बताए थे ऑप्टिकल फाइबर वाला पार्ट हो गया था जिसमें नोमैरिकल अपर्चर वगैरह निकालने के लिए बताया था और ये फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश और स्विमर बता दिया था कल के क्लास में और इसमें यही एरिया निकालने के लिए दिया जाता है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं ठीक लास्ट टॉपिक ए सी का पोरो प्रिज्म पोरोप्रिज्म एक राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म होता है जो बैनाकुलस में इस्तेमाल होता है इसमें लाइट का डेविएशन 90 डिग्री और 180 डिग्री से होता है तो जैसे इस तरह से प्रिज्म को रखा जाता है और इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है तो या तो आपसे रे डायग्राम पूछेगा या सिंपली पोरू प्रिज्म के बारे में पूछेगा तो डायग्राम जानना चाहिए कैसे यहां इमेज का या लाइट का डिवीशन होता है वो बताना है आपको तो यहां प्रिज्म को ऐसे रखा गया है ये इसका 90 डिग्री ये रिफ्रैक्टिंग फोर्टी फाइव डिग्री ये भी फोर्टी फाइव डिग्री यहां एक ऑब्जेक्ट है ए बी हाइट का अब यहां से रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस हुआ ए वाले को सिंगल एरो से दिखा रहे बी वाले को डबल एरो से यहां जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल 45 बनेगा उतना ही से ये रिफ्लेक्ट होगा यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल 45 उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया और ये जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो फाइनली लाइट पास कर जाएगा अब आप ए वाला एरो ये है और ये वाला रिफ एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद इस सरफेस पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ और ये बी यहाँ पर फॉर्म कर गया ए यहां पर इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पर था और इसमें डिविशन 90 डिग्री का हुआ तो यहां पर इमेज ऐसा फॉर्म कर जाएगा आया समझ में चलो ड्रॉ करो ये ड्रॉ करेगा तब समझ में आएगा रेडीमेड नहीं हो गया ड्रॉ कर लिया जल्दी करो अभी और भी इसका रे डायग्राम है सॉरी <laughs> <coughs> हो गया ज करें चलो अब नेक्स्ट देखो दूसरा किस तरह से डिवीशन हो रहा है एक तो पहला ये था दूसरा ऐसा है तो प्रिज्म को ऐसे रखा अब इसका रे डायग्राम ऑब्जेक्ट यहां ए बी यहां से नॉर्मल इंसिडेंस हुआ B वाले को डबल एरो से यहां नॉर्मल ड्रॉ करो ये 45 डिग्री तो यहां से भी 45 डिग्री से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करो ये भी 45 डिग्री से ए वाला सिंगल एरो बी वाला डबल एरो फिर इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये 45 डिग्री से ऐसे बेंड कर गया यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो 45 डिग्री से बेंड कर गया ये वाला डबल एरो है इसका मतलब बी आ हो गया ए ऐसे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए बी ऐसे था और जो इमेज हमारा फॉर्म किया वो ए बी कितना से डिविजन हो गया वन एट्टी डिग्री से आ, समझ में क्या okay, इस करें चलो अब नेक्स्ट देखो अब यहां पर ऐसे अब रखा गया है अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे है ए बी यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर किया यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे तो रेयर टू टु डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर नॉर्मल ड्रॉ करो 45 डिग्री उतना ही से इसका रिफ्लेक्शन हो गया या भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे उतना ही एंगल से रिफ्लेक्शन हो गया थोड़ा तो ऊपर जाएगा रे वो हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं स्के से प्रॉपर आएगा फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे इसका रिफ्रैक्शन हो गया इसका रिफ्रैक्शन हो, हो गया तो ये आप डबल आयर से रिप्रेजेंट किए ये भी डबल आयरओ से तो ऊपर आ गया बी कितना से डेविएशन हो गया 180 डिग्री से चलो ये विड्रॉ कर लो हो गया चलो तो ये हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने बना लिया ठीक अब आजे नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसमें जो ग्लास स्लैब हम लोग यूज कर रहे हैं दो तरीके का यहाँ पर ये आउटर सरफेस ग्लास का है और ये अंदर ग्लास का दो तरीके का सरफेस है इसमें यहाँ पर ये डेंसर मीडियम ये रेयरर मीडियम यहाँ ये डेंसर मीडियम ये रेयरर मीडियम अब ये कैसा ग्लास सरफेस है तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि आउटर सरफेस ऐसा होता है तो इसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं इसलिए कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाएगा मतलब इसमें रिफ्रैक्शन हम लोग यूज करेंगे अब ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस या डेंसर मीडियम का बना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू ले लेंगे ये एयर रेयर मीडियम म्यू वन ले लेंगे ये इसका सेंटर है पोल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ करवेचर होगा यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसका इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मी वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है इसी तरह से ये सरफेस हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये डेंसर मीडियम और ये हमारा अंदर वाला सरफेस रिफ्रैक्टिंग है इसलिए हम लोग इसको कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसमें ये आपका पोल हो गया इसका रेडियस यहां भी ये मी टू हो गया यहां मी वन हो गया ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे मी वन मी टू ऑब्जेक्ट इमेज रेडियस इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है आई बात समझ में क्लियर अब यहां पर इमेज फॉर्मेशन देखना है और रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे ये तो ऑलरेडी आपके पीडीएफ में बनाई हुआ है अब यहां पर देखिए इसमें एजमश क्या क्या होंगे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाएगा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल फॉर्म करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे वो एंगल काफी स्मॉलर होगा इसका मतलब यहां पर जब भी एंगल स्मॉलर होता है तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं ऐसे मैथमेटिकली तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है इसी तरह से लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टैन थीटा थीटा के इक्वल होता है इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये फॉर्म यूज करेंगे जहां भी थीटा वहां टैन थीटा का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे ठीक यही हमने लिखा मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस अपर्चर और डायमीटर जो होता है वो स्मॉलर होगा इसका मतलब स्मॉलर क्यों? स्फेरिकल ना ना हो, ना हो। डिफेक्ट्स तो इसलिए हम लोग स्मॉल अपर्चर यूज करेंगे ठीक नेक्स्ट आ जाए साइन कन्वेंशन तो साइन कन्वेंशन में वही इंसिडेंट रे लेफ्ट टू तो राइट यूज करेंगे सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस यदि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा तो पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट टू द डायरेक्शन लेंगे अब द प्रिपल एक्सिस पॉजिटिव बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव जो मीर में हम लोगों ने पड़खा है वही यहां पर भी यूज करना है ये साइन कन्वेंशन हो गया अब पहला हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये कंडीशन है ये रे रे डायग्राम है कैसे फॉर्म करता है वो देखते हैं कंडीशन पहला कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा और जो इमेज फॉर्म कर रहा वो रियल है ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्म रियल ठीक अब देखिए इसका रे डायग्राम कैसे रे रेडाइग्राम फॉर्म करता है क्या है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ये आपका ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूटू है यहां सबसे पहला आप काम करेंगे इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलता है यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया जो ऑब्जेक्ट एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा तो ये रेयरर टू डेंसर है ये रेयरर मीडियम है तो रिफ्रैक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड बीम टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड किया और यहां पर इसका इमेज फॉर्म कर गया जहां इमेज फॉर्म करेगा उस एंगल को बीटा ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमेशा हम लोग गामा यूज करेंगे ये इसका रे डायग्राम बन गया इमेज कैसा बना रियल ये हमारा पोल है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसको एम मान लेते हैं यहां पर ये आपका ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया इसका नाम एन कर दिया के ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे है यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आया रे डायग्राम समझ में अब यहां से ये पोल से अपोजिट टू द इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट का पोजिशन मानस यू को रिप्रेजेंट करेगा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये इमेज फॉर्म किया ये वी हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रेडियस ऑफ करवेचर को रिप्रेजेंट किया आया समझ में रे डाइग्राम पहले रे डाइग्राम बनाओ फिर इसके मैथमेटिकल पार्ट पर आएंगे हो गया तो ये डायग्राम ऑलरेडी हमारे पास वही है राइट साइड इसलिए हैंड रिटन वाले को इरेस कर रहे हैं ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है अब देखो यहां पर एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां पे एट इंटरफेस कह दो और रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह दो लॉ को यूज करेंगे म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू तो म्यू टू साइन आर कंडीशन है एंगल स्मॉलर है तो म्यू वन आई इज इक्वल टू मी टू आर इक्वेशन वन अब आई मतलब ऑब्जेक्ट का पोजिशन तो ऑब्जेक्ट के पोजिशन के लिए ट्रायंगल ए सी ले लें सॉरी एन ओ सी ए नहीं है ए तो उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एन ओ सी इसमें देखो ट्रायंगल एन ओ सी एन ओ सी इसमें अल्फा प्लस गामा आई के इक्वल है तो आई का वैल्यू मिल गया अल्फा प्लस गामा ठीक मिल गया आई का वैल्यू फिर आ जाए इन ट्रायंगल एन आई सी आर का मतलब इमेज एन आई सी में आ जाओगे तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इसको इक्वेशन वन में डाल देंगे मी वन आई की जगह पर डाल देंगे अल्फा प्लस गामा मीठू आर की जगह पर डाल देंगे गामा मानस बीटा तो ये सारा वैल्यू क्या है के फॉर्म में एंगल स्मॉलर है तो परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन हमको पता है इसलिए टैन यूज कर लेंगे तो टैन अल्फा हो गया ये ये टैन गामा हो गया लिखने की कोई जरूरत नहीं क्यों लिख रहे हैं टैन ये आपको भी समझ में आ रहा है और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा अब टैन अल्फा क्या बन गया एन एम परपेंडिकुलर अल्फा के लिए एम ओ हो गया फिर इसी तरह से एन एम और ये एम से सी तक ये भी बन गया एन एम एम से सी एन एम एम से आई एन एम कॉमन हो के कैंसिल हो गया क्या बच गया मी वन एम ओ फिर मी वन एम से सी तक फिर आ जाओ मी ट्यू एम से सी तक फिर मी ट्यू एम से आई तक और ये पोल से डिस्टेंस ले लेना पी से सी पी से सी पी से आई ले लिया अब बताओ ये मी वन पी से ओ क्या है ऑब्जेक्ट माइनस यू पी से सी क्या है आर पॉजिटिव पी से सी आर पॉजिटिव आई क्या है वी पॉजिटिव इसको एल में ले जाओ तो क्या बन गया ये म्यूट्यू बाई वी माइनस मी वन बाई यू इक्वल टू म्यूट्यू माइनस मी वन बाई आर समझ में आ गया तो कंडीशन दिया रहेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये शो करने के लिए दे देगा मी टू बाई वी माइनस मी वन बाई यूज इक्वल टू मी टू माइनस मी वन बाई आर आ गया समझ में क्लियर हंड्रेड परसेंट चलो नोट कर लो हो गया चलो तो आज यहां तक करते हैं इसका दो पार्ट और है एक क्लास में और प्रैक्टिस करा देंगे और फिर इसी पर लेंस मेकर फॉर्मूला है